and welcome back everyone, and today we are going to talk about online MBA program in international finance. So hum sabse pehle janenge the difference between finance and international finance, and uske baad hum iski complete details le lenge iske career aspects ke sath, iska scope kya hai aur kis university se aap is program ko kar sakte hain. So let's get started. हम आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ना सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल फाइनेंस. तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये दोनों ही फाइनेंस ही हैं. इन दोनों का मतलब फाइनेंस से ही जुड़ा हुआ है, बट एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जब हम फाइनेंस की बात करते हैं केवल तो हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, जब हम इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करते हैं तो इसमें फॉरेन करेंसी इंक्लूड हो जाती है. लेट सपोज कि किसी को अपने फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम फॉरेन टू इंडिया भेजने हैं या फिर अपने डोमेस्टिक प्लेस पर भेजने हैं, तो वो जो इंटरनेशनली जो एक्सचेंज होगा, जब करेंसी का जब चेंज होगा, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस. एंड यहाँ पे आपका हो गया केवल फाइनेंस. सो देर इज नो सच डिफरेंस, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है. इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप फॉरेन करेंसी के साथ फाइनेंसेस का काम करते हैं तब आपको इंटरनेशनल फाइनेंस का प्रोग्राम करना होता है, और जब आप डोमेस्टिकली करते हैं तो फिर आपके लिए MBA इन फाइनेंस प्रोग्राम भी सही रहेगा. अब जब ये कन्फ्यूजन दूर हो गया तो आइए हम इस प्रोग्राम की डिटेल्स लेते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है. तो आपको होना पड़ता है ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके ग्रेजुएशन होने चाहिए 50%. ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं इस प्रोग्राम को. अभी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसे ऑनलाइन मोड पर आपको करवा रही हैं. तो अब इसके बाद हम इसका पूरा सिलेबस देखते हैं, एंड आफ्टर दैट हम इसका करियर स्कोप भी देख लेते हैं. आपने सिलेबस तो देख लिया, और जैसा कि आप जानते हैं ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो इसका ड्यूरेशन होगा 2 ईयर्स. अब हम इसके टॉप हायरिंग कंपनीज की बात करें तो इसमें हायरिंग कंपनीज काफ़ी अच्छी होती है, वैसे ही फाइनेंस में आपका स्कोप काफ़ी अच्छा होता है. इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज भी मिलता है, और बहुत ही बड़ी बड़ी MNCs में आपको जॉब मिलती है, जैसे कि वी हैव JP Morgan's, Barclays, BCG एंड अ लॉट मोर. जॉब प्रोफाइल एंड टॉप कंपनीज की बात हो गई, तो अब बात करते हैं कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है. तो इसका फी स्ट्रक्चर वेरी करता है ₹10,000 पर सेमेस्टर से लेके ₹50,000 पर सेमेस्टर तक का. ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से इस प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं. इसकी खास बात ये है कि ये ऑनलाइन मोड पर, यानी कि आप करेंगे ऑनलाइन MBA इंटरनेशनल फाइनेंस, तो आप अपनी जॉब के साथ ही साथ इसे परस्यू कर सकते हैं. और ये फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, सो इट इज़ बेटर कि आप इसे ऑनलाइन मोड पे करेंगे तो आप साथ ही साथ अपनी जॉब परस्यू करेंगे, और फिर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपके पास जॉब एंड डिग्री और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होगा, सो आपके ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे. अब हमने इसका फी स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब बात करते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से इसे परस्यू कर सकते हैं. आपके पास जैन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, आपके पास नारसिमुजी यूनिवर्सिटी है, और आपके पास सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग का भी ऑप्शन है. आपके पास इन सभी ऑप्शंस के साथ एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, तो आप एक सिंपल सा तरीका अपना सकते हैं. आप सीधा कॉलेज विद्या पे आइए, वहाँ आप इन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर लीजिए, और कंपेयर करके आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी. बस आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करना है, और फिर उसके बाद आपके सामने सभी फैक्टर्स नज़र आ जाते हैं, फिर उन फैक्टर्स को देखते हुए आप चूज़ कर लीजिए अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर ली, आपने कंपनीज़ की भी बात कर ली, और हमने जॉब प्रोफाइल्स की भी बात कर ली, बट बात आती है कि आपका सैलरी पैकेज क्या होने वाला है. तो ये काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल है, और आपका पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है. आपका एवरेज सैलरी पैकेज ₹9 लाख पर NM से लेके ₹15 लाख पर NM तक का होता है. ये एक एवरेज सैलरी पैकेज है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, वो सब आपकी परफॉर्मेंस पे और आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है. सो आई गेस हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं, और हमारे टोल फ्री नंबर पे ना कॉल भी कर सकते हैं. तो अपने सवाल ज़रूर पूछें, और मुझे सजेशंस भी दें कि अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और हाँ चैनल के साथ जुड़े रहें.